हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्राई फ्रिजी हेयर कैसे मैनेज करते हैं वो बताया था। आज मैं आपको ऑयली हेयर कैसे मैनेज करते हैं वो बताना चाहती हूँ। और जो ऑयली हेयर होता है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्मूथ स्ट्रेट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्लैट दिखता है, हमेशा चिपटा चिपटा लगता है, तो ऑयली ऑयली फील होता है, तो इसीलिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बाल और डैंड्रफ भी ज़्यादा होता है ऐसे बालों में। साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे बाल। आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार तो शैम्पू करना ही पड़ता है। और जब आप शैम्पू करेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि बालों में जो शैम्पू का झाग होता है, फोम होता है, वो नहीं रह जाए। स्कैल्प अच्छी तरह से आप धो लीजिए पानी से, और स्कैल्प में थोड़ा सा भी झाग रह जाए तो उससे डैंड्रफ हो सकता है। इसीलिए आपको बार बार बाल 3-4 बार वॉश करना है, बहुत सारा पानी से ही वॉश करना है, अच्छी तरह से धोना है बालों को। अगर आपको बाहर का शैम्पू सूट नहीं करे, फिर भी ऑयली लगता है, शैम्पू करना आज शैम्पू किया कल ऑयली हो गया, ऐसा अगर फील होता है तो आप घर पे शैम्पू बना लीजिए। रीठा एक फल है जो आपको बाजार में मिल जाएगा, उसे आप रात को भिगो के रखिए और दूसरे दिन बॉइल कर लीजिए, करने से उसका झाग जो है वो निकल आता है। तो उसे आप शैम्पू कीजिए, उस पानी से आप शैम्पू कीजिए, तो आपका ऑयलीनेस पूरा चला जाएगा और स्कैल्प भी बहुत एकदम साफ हो जाता है उससे। और ध्यान रखिए, मैंने फिर मैं कह रही हूँ कि अच्छी तरह से बालों को धोना है, बिल्कुल भी झाग नहीं रहना है अंदर। अगर झाग स्कैल्प पे रह जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब भी आप लोग शैम्पू करेंगे तो बहुत सारा पानी से अच्छी तरह से बालों को धो लीजिए, स्कैल्प पूरा साफ़ हो जाना चाहिए। और ऑयलिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके बाल वैसे ही बहुत ऑयली होता है। और जो शैम्पू आप चूज़ करेंगे तो वो शैम्पू थोड़ा सा ड्राई टाइप का शैम्पू होना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू आपको यूज़ करने से और भी ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा बाल, और भी चिपका लगेगा और ऑयलीनेस लगेगा ज़्यादा। ऐसे बालों का जो सीबेसियम होल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और नेचुरल ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। इसीलिए आप लोगों को घर पे ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जगह पे आप वाइट लेदर यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार में बहुत सारे कंपनी का वाइट लेदर मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं ऑयल के सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि ऑयल से और भी ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। जो ऑयल का पोर्शन है वो आपको वाइट लेदर में से मिल जाएगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू के बाद आप एक नींबू निचोड़ के बाल्टी भर पानी में डाल दीजिए और उसे आप बाल धो लीजिए, तो आपका एकदम ऑयल पूरा निकल जाएगा और आपका हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी दिखेगा, बहुत अच्छा फील होता है इससे। ये आप कर सकते हैं। और जो है वो एक टिप्स मैं बोल रही हूँ बालों ऑयली वालों के लिए, जब आप कहीं जाते हैं, जब आपको बाल खुला रखना है और फिर फ्लैट दिखता है, इसीलिए आपको करना है, आप तैयार होने के टाइम पे आप अपना बालों को पोनीटेल कर लीजिए, एक पोनीटेल कर लीजिए, उसके बाद आप तैयार हो जाइए। 10-15 मिनट तो ऐसे छोड़ दीजिए पोनीटेल को, उसके बाद अगर बाल खोल लीजिएगा तो थोड़ा फ्लैफी दिखेगा बाल। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे हर एक वीडियो के एंड पे आपको एक टिप मिलेगा, तो आज का टिप ये है, अगर आपको ड्राई डैंड्रफ है तो नारियल तेल के साथ कपूर गरम करके लगाइए तो चला जाता है। तो आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।